साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम प्री थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम 19 फरवरी 2023 को आयोजित करवाया गया था कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा, तो ये सामाजिक विज्ञान का है पेपर। तो इसके अंदर आपको पूरे के पूरे 150% मिलने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से टेलीग्राम है, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये SST का पेपर है, Level 1 का पेपर पहले YouTube पर अपलोड किया हुआ है, तो वो किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो करते हैं SST का पेपर की शुरुआत। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उष्ट्र संरक्षण योजना के अंतर्गत पहचान पत्र जारी करने के बाद ऊंट पालक को प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि देय होगी। तो प्रथम किस्त में 5,000 रुपये और कुल राशि यहाँ पर 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये, तो प्रथम राशि 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के अनुसार हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है। तो ये जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्राप्त है। तो यहाँ पर आ जाएगा 90%। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया, लोकार्पण किस विश्वविद्यालय में किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नवाचार को ई गवर्नेंस श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। तो 5 में जाएगा यहाँ पर जनकल्याण पोर्टल। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी भावना जाट, तो भावना जाट हैं यहाँ पर रेस वॉक पैदल चाल। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, असुमिलित को छांटिए, तेमनगढ़ दुर्ग करौली, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही और कालक दुर्ग जोबनेर। इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है काकोड़ दुर्ग, तो ये इसमें गलत है। आप कमेंट करके बता सकते हो काकोड़ दुर्ग कहाँ पर है, तो कमेंट करके बताना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। तो बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है और ये माघ की पूर्णिमा को। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, थमणी और टूसी आभूषण पहने जाते हैं। तो थमणी और टूसी आभूषण ये कहाँ के आभूषण है, ये कंठ के आभूषण है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस ख्याल के मुख्य पात्र मेड़िया होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कन्हैया ख्याल के। 11 नंबर है, बनेड़ा बागोर बेंगू केलवा आदि ठिकाना कला किस स्कूल ऑफ पेंटिंग में विकसित हुई थी। तो 11 में आ जाएगा मेवाड़ से ली। 12 नंबर देखिए, राजस्थान में पशुओं की शिनाख्त हेतु उनके शरीर पर विविध प्रकार के कलात्मक दाग बनाए जाते हैं, दागने की यह प्रक्रिया। तो दागने की प्रक्रिया अटेरना और दाग के निशान गोड़लिया कहलाते हैं, तो ए ऑप्शन राइट। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, संप्रदाय और संस्थापक रसिक संप्रदाय अगरदास जी सही है, निरंजनी संप्रदाय का आएगा यहाँ पर रामदास। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंजनी संप्रदाय का कौन है, सॉरी रामदास ने हरिदास, कौन है हरिदास, इसमें आ जाएगा हरिदास, निरंजनी संप्रदाय हरिदास। अलख्या संप्रदाय लालगिरी सही है और पाशुपत लकुलिस। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जाबरमल शर्मा को। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचकुटा सब्जी में शामिल नहीं है, केयर हैं, सांगरी हैं, कुमट हैं, इसमें खिपोली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खिपोली। देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, देखिए जगरोती करौली सही है, देवड़ावाटी सिरोही और डाडी ये बाड़मेर। देखिए नागरचोल जो नागरचोल हैं यह टोंक और स्वयंमाधोपुर में जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संत चतुर सिंह बाबूजी ने किस भाषा में योग सूत्र भगवद गीता एवं सांख्यिकी कारिका ग्रंथों की रचना की है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेवाड़ी में। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो 18 में जाएगा यहाँ पर रूपक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठे की नहीं है। देखिए मिंजर हैं, लेटांस हैं, धरती दुरारी। देखिए पग पैरों किसकी है, तो पग पैरों है मणि मधुकर की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ में सम्मिलित करना है, मुगति मिटेश निर्मोही की है और संस्कृति सनातन दीठ ये बाबूलाल सिंह सामोर की है और माटीरी महक कणिद बारेट सही है और बारी की बात रामस्वरूप किसान। तो यहाँ पर सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस स्थल से ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान लगाया गया है? तो 21 के अंदर कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगी आहार सभ्यता। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक तो गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट कौन सा नहीं है? देखिए मेवाड़ का सावर्स था, सिरोही का जड्डीवाल था, देखिए भरतपुर का कौन था यहाँ पर मॉरिसन, ये गलत इसमें, और जयपुर का था कर्नल इडन, भरतपुर का कौन था मॉरिसन। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1921 ईस्वी में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? तो 24 में जाएगा मीणा कोर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया? तो 25 में क्या जाएगा यहाँ पर, रणछोड़ दास गट्टारी। 26 नंबर है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो ये पंचम चरण में। 27 नंबर है, निम्न में से किसने बिजोलिया से गिरफ्तार होते समय यह कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह यहाँ पर आते रहेंगे? तो ये रमा देवी ने कहा था। 28 नंबर है, तुंगा के युद्ध 1787 में मराठों के विरुद्ध कौन से गठबंधन की सेनाओं ने युद्ध लड़ा था? तो यहाँ पर आ जाए राठौड़ कछवा गठबंधन, ठीक है, 28 में जाएगा सी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन है, किल होर्न ने किस शासक की विद्वता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था? तो ये क्या जाएगा यहाँ पर 29 में, यहाँ पर आएगा विग्रहराज चतुर्थ। 30 नंबर देखिए, यहाँ पर दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दूधवा खारा, तो ये हनुमान सिंह ने। 31 नंबर है, पट्टा रेख से भी प्राय हैं, पट्टा रेख से भी प्राय हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आंकलित राजस्व। 32 नंबर है, निम्न में से कौन विराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें विजय कुमार, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं था विराट से। ऊँट को राज्य पशु कब घोषित, यहाँ पर कब बनाया गया था ऊँट को, तो 19 सितंबर 2014 को। देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में असत्य कथन, देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और इसका जो विभाग है नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग, और इसमें सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, यहाँ पर 150 दिन का रोजगार दिया हुआ था, यहाँ पर कितना आएगा 100। राज्य सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपये का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया, ये भी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मक्का अनुसंधान केंद्र है तो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हो जाएगा बांसवाड़ा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से असम्मिलित का चयन कीजिए, खिलाड़ी और खेल। तो गौरव सिंह शर्मा का संबंध है बैडमिंटन से, और दूसरा यहाँ पर अभिनव शर्मा, तो अभिनव शर्मा का संबंध किससे, एथलेटिक्स से है, ठीक है, बास्केटबॉल से इनका संबंध नहीं है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मणिक कौशिक तो इसका संबंध है निशानेबाजी से, और युग चलानी इसका संबंध है तैराकी से, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, भगवान विष्णु व शिव के समय के रूप युक्त हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह जाएगा कोशिया जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान। देखिए बिरला व्हाइट सीमेंट, तो बिरला व्हाइट सीमेंट इसमें आ जाएगा जोधपुर, और सेमको ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर आ जाएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसमें आ जाएगा उदयपुर, और पायराइटस फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड तो ये जाएगा सिक्कर, ठीक है। तो 4321 का उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4321। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव अधिकारी होती है? तो 39 नंबर में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उपखंड अधिकारी। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैदान भाग है तो ये बनास बेसिन का। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा AW, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आएगा, डूंगरपुर में AW। 42 नंबर है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो डेगाना नागौर में। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युगम, देखिए बनास बिसलपुर कोठारी मेजा बांध सही है, माही कागदीपिका बांध ये भी सही है, देखिए जसवंत सागर बांध तो ये लोणी नदी पर बना हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्रफल धारण करने वाला जिला कौन सा यहाँ पर?
क्या जाएगा यहाँ पर? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क काले हिरण व कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आ जाएगा तालछापर चूरू। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असम्मिलित युगम, देखिए मिट्टी का प्रकार और संबंधित जिले, तो वर्टिसोल्स झालावाड़ 12 कोटा सही है, इंसेप्टिसोल्स तो इसमें ये गलत है, ठीक है, इंसेप्टिसोल्स में आएगा सिरोही पाली राजसमंद उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जयपुर और दौसा। इसके बाद देखिए एल्पिसोल्स, इसमें अलवर भरतपुर दौसा आ जाएगा, और एरिडोसोल्स इसमें आ जाएगा सीकर चूरू और झुंझुनू, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर तापी पावर प्लांट है? तो क्या जाएगा यहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चावल की उन्नत किस्म नहीं है? तो माही सुगंधा है, बासमती है, चंबल ये भी है, माही कंचन ये किसकी है? मक्का की। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिले क्रमशः हैं? तो यहाँ पर क्या जाएगा? देखिए सर्वाधिक जयपुर और न्यूनतम में जैसलमेर, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर के में इसको गलत बताया गया है, वहाँ पर खोए तो बता रखा है, लेकिन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पोतिया, तो पोतिया इसमें सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है? तो खड़ीन। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ पर है ये? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए मरु महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो जनवरी फरवरी में, मरु महोत्सव जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 54 है, एमएस वर्ड, फिनजिप और पेज मेकर आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत का चुनाव कीजिए, देखिए वेबसाइट का पता URL सही है, वेब पेजों को निर्देशिका एवं फाइलों के रूप में रखता है, तो वेब सर्वर से भी सही है, उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचाता है, वेब ब्राउजर ये भी सही है, वेब पेजों को विकसित करने में काम आने वाली भाषा सी लैंग्वेज, तो ये इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनपुट यहाँ पर? माउस पैड। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुपर कंप्यूटरिंग के पिता हैं? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा सेमुर क्रे। इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से संचार या लेन देन करने वाले व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगाना कहलाता है? तो ये हो जाएगा अधि प्रमाणन। 59 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निजी विद्यालयों में RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश कब से प्रारंभ किए गए? तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2012 और 2013। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोरोना काल में हुए लर्निंग लॉस की पुनर्प्राप्ति के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षा, राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम। क्वेश्चन नंबर 61 है, SIQE कार्यक्रम के मुख्य सलाहकार के रूप में जिला स्तर पर यूनिसेफ व बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा जिला समर्थक अध्येता, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किसी कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो किस कार्य के लिए? तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस पोलियो अभियान के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में किस धारा में संशोधन के द्वारा कक्षा 5 व कक्षा 8 में बालकों को पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रोक सकने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा धारा 16। 64 नंबर क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 29A के तहत केंद्र सरकार का शैक्षणिक प्राधिकारी होगा? तो यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, NCERT, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षकाधिकार नियमावली 2011 के किस भाग में विद्यालय व अध्यापक के उत्तरदायित्व का उल्लेख है? तो प्रश्न में आ जाएगा यहाँ पर भाग 5। इसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षकाधिकार नियमावली 2011 के नियम 18 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य सचिव होगा?
तो 66 में आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्तमान में राजस्थान में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्यों के संचालन हेतु किस समिति का गठन किया जाता है, तो यहाँ पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का। 68 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में किस वर्ष तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान हासिल करवाना सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2025। क्वेश्चन नंबर 69, 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालय के किस कक्षा वर्ग के छात्र छात्राओं को 2 सेट पोशाक का कपड़ा दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा कक्षा 1 से 8। क्वेश्चन नंबर 70 है, बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करता बालिकाओं को बसंत पंचमी के अवसर पर देय पुरस्कार राशि कितनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपये। तो इसके अंदर आ जाए कि 5,000 रुपये आएंगे, ठीक है, 5,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बालक किस आयु वर्ग में तर्क के साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 12 वर्ष। 72 नंबर क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो एरिक एरिक्सन। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्किनर के द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन है, तो यहाँ पर देखिए इस सिद्धांत में R5 बोर्ड बनता है, ये सही है, और यह पुनर्बलन की अवधारणा पर बल देता है, ये भी सही है, इसे साधनात्मक अनुबंधन या अधिगम भी कहते हैं, ये भी इसमें सही है, इसमें गलत है ऑप्शन नंबर डी, यह गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, तो ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 74, अधिगम नहीं है, तो कौन सा अधिगम नहीं है यहाँ पर, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, अभिप्रेरणा के अंतर्नोत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है, क्लार्क हल। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का कृत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ में अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह हो जाएगा आलपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 77, बुद्धि परीक्षण में आर्मी अल्फा परीक्षण है, तो कौन सा परीक्षण हो जाएगा यहाँ पर, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर 78 में जाएगा जेम्स, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 79, किस आयु स्तर के बच्चों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 से 50, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 80 है, कक्षा में सबसे लड़ने झगड़ने वाले बालक को बालक का मुक्केबाज बनना समायोजन की किस युक्ति की ओर इशारा करता है, तो यह आ जाएगा उदात्तीकरण। ठीक है, तो ये जो 80 क्वेश्चन थे ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन थे। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर आपको लेवल 1 का पेपर मिलेगा और उसके बाद में जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके पेपर मिलेंगे, तो PDF आपको टेलीग्राम आलिया एग्जाम क्यूजी में मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है, तो मौद्रिक मूल्य कहलाता है यहाँ पर देश का सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, औपनिवेशिक काल में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु नहीं है, तो यहाँ पर ऊनी वस्त्र हो जाएगा, ठीक है, कपास, चीनी और पटसन, तो इनका निर्यात किया जाता है, यहाँ पर आ जाएगा ऊनी वस्त्र, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियाँ हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा परस्पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल एवं विनिमय के लिए सरलतम है, तो यहाँ पर आ जाएगा M1। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऋण लेते समय कर्जदार ऋण की शर्तों को देखता है, निम्न में से ऋण की शर्त है, तो ऋण की शर्त क्या है यहाँ पर, देखिए 85 के अंदर इसमें जाएगा भुगतान का तरीका, समर्थक, ऋणदार, ब्याज दर, उपरोक्त सभी। 86 नंबर देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यापार से संबंधित पक्ष
का संचालन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 24 जुलाई 2020, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है? तो यहाँ पर आ जाएगा 8.4%। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था जून 1974 को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है? तो यहाँ पर हो जाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा रखे जाने वाला अधिप्राप्त अनाज गेहूँ व चावल का भंडार कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बफर स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया था? तो यहाँ पर क्या जाएगा, बोकारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोकारो। 93 देखिए, वी निवेश का तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है, सरकार के द्वारा संपदाओं का तरलीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 94 है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, असत्य कथन है? देखिए इसमें, देशांतर रेखाएं सभी अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती हैं और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं का तल ग्लोब के केंद्र से गुजरता है और देशांतर रेखाओं की लंबाई ग्लोब के दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाले व्यास के बराबर है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है? तो यहाँ पर जाएगा ऋतु। देखिए इसमें आएगा दिन रात बनना और ध्रुवों पर चपटापन और हवाओं की दिशा में विक्षेपण। ठीक है, 1, 4 और 5, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है यहाँ पर, 2%। क्वेश्चन नंबर 98, अरोरा बोरियालिस व अरोरा ऑस्ट्रेलिस हैं? तो ये क्या है, बहिर्मंडल में दिखाई देने वाले ध्रुवीय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है? उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी स्थान पर अगला ज्वार आता है? तो यह आ जाएगा 12 घंटे और 26 मिनट के बाद में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो देखिए एंटिलीज, लेब्राडोर और कनारी, तो ये सभी अटलांटिक महासागर की हैं। जो ओयासियो है तो ये आर्कटिक महासागर की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए 102, पृथ्वी के अलवणीय जल का कितने प्रतिशत बर्फ की चादरों व हिमानियों के रूप में पाया जाता है? तो 70%। क्वेश्चन नंबर 103 है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को, कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। 104 नंबर देखिए, आर्किड व ब्रामिलोइड नामक परजीवी पौधे पाए जाते हैं? तो इसमें जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसके बाद देखिए 105 नंबर है, निम्न में से कौन से कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जाएगा रोपण कृषि। 106 नंबर है, जंग का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पर जाएगा पीट्सबर्ग को। 107 है, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल स्थापित की गई है? सार्वजनिक क्षेत्र की, तो यह जाएगा श्रीगंगानगर में। 108 नंबर देखिए, भारत के किसी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही? तो यहाँ पर आ जाएगा लीला सेठ। 109 नंबर है, माल एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 279 का। इसके बाद देखिए 110 है, भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं? तो इसमें देखिए, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है।
तो ये इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 111 नंबर, भारतीय लोकतंत्र की विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के नागरिकों को कम नागरिकों को कब प्रदान की गई है, तो यह आ जाएगा 1989 में। 112 नंबर देखिए, भारत की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें आ जाएगा धर्म की समता, इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए राजनीतिक न्याय, विश्वास की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, तो ऑप्शन नंबर सी। 113 नंबर है, अनुच्छेद 70 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद रिक्ति या फिर अनुपस्थिति की दशा में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जिसे संसद विधि के द्वारा विहित करें, डी ऑप्शन। 114 नंबर है, संविधान में प्रधानमंत्री का किस रूप में उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में, सी ऑप्शन राइट। 115 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति राष्ट्रपति की नहीं होती है, तो राष्ट्रपति की देखिए सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, सदन को स्थगित करना, तो ये होती है पीठासीन अधिकारी की, ऑप्शन नंबर डी। 116 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्र अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 32। 117 नंबर है कि संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24वां, बी ऑप्शन। 118 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण। देखिए कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों की अभिवृद्धि, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर देखिए, वर्तमान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य समाहित थे, तो मूल संविधान में एक भी यहाँ पर कर्तव्य नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 120 नंबर, किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद देखिए 121 है कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो इसमें जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992, सी ऑप्शन। 122 है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसमें जाएगा लॉर्ड वेवेल। 123 नंबर है, जब बालक की परीक्षा के द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की यहाँ पर क्या जाएगा, उसमें आ जाएगा विश्वसनीयता कहा जाता है, विश्वसनीयता। 124 नंबर देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर है, ऐसा परीक्षण जिसमें उत्तर हाँ या फिर नहीं में हो, तो यह आ जाएगा जांच सूची, बी ऑप्शन। 126 नंबर देखिए, प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड। 127 नंबर देखिए, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना की पद प्रस्तावना तैयारी से संबंधित नहीं है, तो 127 में आ जाएगा डी ऑप्शन, पूर्व ज्ञान एवं नवीज्ञान में तुलना करना। 128 नंबर देखिए, समस्या समाधान विधि के चरण का सही क्रम है, तो देखिए इसमें सबसे पहले समस्या का चयन, फिर 2 नंबर पर प्रस्तुतिकरण, फिर 3 नंबर में परिकल्पना का निर्माण करना और 4 नंबर में आ जाएगा यहाँ पर आंकड़ों का संग्रहण करना, ठीक है, और 5 नंबर में आंकड़ों का विश्लेषण आ जाएगा और 6 नंबर में आ जाएगा निष्कर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 129 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव शंकु के आधार से दूसरा सोपान है, तो यहाँ पर आ जाएगा नियोजित कृत्रिम अनुभव, सी ऑप्शन। 130 नंबर है, निम्नलिखित में से रचनावादी अधिगम की विशेषता नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक की भूमिका नियंत्रणकर्ता की होती है, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और अधिगम व्यक्तिपरक होता है जिसमें प्रत्येक अधिगमकर्ता का मत उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। 131 नंबर है,
परियोजना कार्य का अंतिम सोपान है, तो कौन सा है यहाँ पर, प्रोजेक्ट का अभिलेखन। 132, निम्न में से भूगोल की सर्वोत्तम विधि है, तो यहाँ पर जाएगी क्षेत्र भ्रमण विधि। 133, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असुमेलित विकल्प कौन सा है, देखिए असुमेलित विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो सही है, विशाल जलाशय धोलावीरा, विशाल गोदलीबाड़ा लोथल, देखिए विशाल अन्नागार तो ये भी आ जाएगा मोहनजोदड़ो में, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, इसमें आएगा मोहनजोदड़ो। 134, वैदिक काल में कौन सी राजनीतिक इकाई का प्रमुख गोप कहलाता था, तो यहाँ पर आ जाएगा जन। 135, महाजनपदकालीन गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में असुमेलित विकल्प कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए केशपूत बग ऑप्शन नंबर सी, देखिए कपिल वस्तु शाक्य वंश और अलकप बुल्लीवंश और पिपलीवन मौर्यवंश, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 136 नंबर देखिए, कौन सा दार्शनिक सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो इसमें जाएगा क्षणिकवाद। 137, धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना महात्मा बुद्ध के काल में कहाँ घटित हुई थी, तो ये हुई थी सारनाथ में। 138 है, मौर्य काल में शीर्ष राज्याधिकारी जिन्हें तीर्थ कहा जाता था उनकी संख्या कितनी थी, तो 138 में जाएगा 18। 139 है, अशोक अपने राज्य के कर्मचारियों को कितने वर्ष के अंतराल पर धर्म प्रचार हेतु भेजता था, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 वर्ष सी ऑप्शन। 140 नंबर है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन किस लेखक ने उसकी भंडारकों पर विजय 1182 का उल्लेख किया है, तो इसमें आ जाएगा चिन्हदत्त सूरि। 141 है, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान से संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 142, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो देवगिरी के शासक यहाँ पर रामचंद्र देव। 143, शाहजादा अकबर ने स्वयं को कहाँ पर बादशाह घोषित कर औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध के लिए रवाना हो गया, तो इसमें जाएगा नाडोल बी ऑप्शन। 144 है, मुगल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाता था, मुगल काल में तो मीर बख्शी। 145 नंबर है, एनी बिसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की गई, तो 145 में जाएगा अडियार ऑप्शन नंबर सी। 146 है, काकोरी रेल षड्यंत्र प्रकरण 1925 ईस्वी में किस क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, तो इसमें आ जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल को। इसके बाद देखिए 147, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय किस जगह से सामूहिक स्वीनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी थी, तो इसमें आ जाएगा बारदोली डी ऑप्शन। 148 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो यह आया था 1928 में। 149 है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, इसमें आ जाएगा 5 मार्च 1931। और 150 नंबर है, ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध किस आंदोलन या फिर घटना से है, तो इसमें आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। तो यह SST के यहाँ पर पूरे के पूरे जो 150 प्रश्न हैं, ठीक है तो ये हो गए, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।